Hello and very good morning my dear students. So today we are going to solve the NCRT chapter and exercise. So let's start first question. Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? And we know that in a long straight wire the magnetic field produced along a concentric circles. Okay? the field consists straight line perpendicular to the wire? No. Field consists straight line parallel to the wire. No. <coughs> Field consists of radial line originating from the wire. No. Field consists of concentric circles centered on the wire. Yes. So D is the right option. Phenomena of electromagnetic induction is the electromagnetic induction. इट्स प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉय ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द यस सी सी इज द राइट आंसर ओके तो जब भी आपका मैग्नेट और कॉयल में रिलेटिव मोशन होगा देन आफ्टर ओनली इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस्ड दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ला थर्ड पार्ट इज द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड क्या कहते हैं उसको इलेक्टर्स वो जनरेट कर रहे डीसी जनरेटर इज दैट दोनों में डिफरेंस क्या है सब कुछ थेम था बट दिन डिफरेंस इज दैट एसी जनरेटर हैज स्लीपरिंग वाल डीसी जनरेटर हैज कमुटेटर ठीक है तो एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होते थे रिंग जो होगा उसका साइज फुल होता है बट ए सी जनरेटर में होता है कम्यूटेटर जिसको हम रिंग बोल देते थे ओके? Okay? So, right -so. में क्या होता है बेटे एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंस लगा देते हैं, एंड इट पर इट टेक्स लार्ज करंट तो इंक्रीज इंक्रीज है द करंट इन द सर्किट क्या होता है फिर इंक्रीज है तभी शॉर्ट सर्किट होगा सो इंक्रीजिंग सी ऑप्शन इज द राइट सिक्सर स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी वो इलेक्ट्रिक मोटर नहीं इलेक्ट्रिक जनरेटर करते थे सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स सेकेंड इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन ट्रू सही है फील्ड एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट स्ट्रेट लाइव दैट इज इज यूज नो रॉन्ग इट्स के लिए कौन सी कलर यूज करते थे रेड कलर सॉरी ग्रीन कलर को यूज नहीं करते थे ग्रीन इज यूज फॉर अर्थ वायर नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज लिस्ट थ्री सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अपने प्रोड्यूस करनी है इसके कौन सी सोर्स हो सकते हैं फर्स्ट परमानेंट मैगनेट सेकेंड इज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड थर्ड करंट कैरिंग अ सोलिनोइड सो दीज आर द्री सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डज ए सोलिनॉयड बिहेव लाइक ए मैगनेट कैन यू डिटर्मिन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए करंट कैरिंग सोलिनॉयड

इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द magnet इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द साउथ पोल इट मीन्स दैट दैट पोल रिप्रजेंट द साउथ हमें पता मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो अगर ये मैग्नेट अट्रैक्ट हुई सोलिनट के साथ तो इसका मतलब वो सोलिनट का कौन सा पार्ट हुआ साउथ पोल इफ इट इज रिपेल then इट मीन्स दैट दैट इज द नॉर्थ पोल बिकॉज सेम पोल रिपेल इच अदर opposite पोल अट्रैक्ट इच अदर ठीक है बेटे सो दिस इज द आंसर लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर कंडीशन डज़ द करंट कैरिंग कंडक्टर कैप्टन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स तो बेटे फोर्स जो होती है वो मैक्सिमम कब होती है वेन एवर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू इच अदर वेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू इच अदर देन द फोर्स विल एक्सपीरियंस इज मैक्सिम अगर ये परपेंडिकुलर ना होंगे इफ इट इज पैरल टू इच अदर द फोर्स विल बी ज़ीरो ठीक है सो इट बोथ शुड बी परपेंडिकुलर टू इच अदर एंगल थीटा कितना चाहिए नाइन्टी डिग्री बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन थैंक यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर विद यूअर बैक टू द वॉल आप इस चैम्बर में बैठे हो आपकी जो बैक है ठीक है वो इस ये आपकी बैक साइड है बैकवाल ओके सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन बी मूविंग हॉरिजी फ्रॉम बैकवाल टूवर्ड्स दंट वाल एक इलेक्ट्रॉन है जो आपकी बैकवाल से होता हुआ फ्रंट वाल की तरफ जा रहा है ठीक है इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू यूर राइट साइड वो डिफ्लेक्ट हुआ और आपके राइट साइड में चला गया वट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए करंट इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम बैक बैकवाल टू फॉरवर्ड वाल आपको पता है करंट का डायरेक्शन कैसा होता है ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन मोशन जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है करंट की होती है अगर इलेक्ट्रॉन बैक बैकवाल से फ्रंट वाल को मूव करता है इसका मतलब करंट का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो गया सो दिस इज द ऑपोजिट डायरेक्शन तो अगर डिफ्लेक्शन उसका कैसा हुआ है परपेंडिकुलर तो इसका मतलब इस साइड पे किसकी वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड दिस इज करंट और आपको पता ही है कि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट बोथ ऑल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल वर्किंग एंड द फंक्शन ऑफ सर स्लिप सप्लेट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है नेम समि इन विच इलेक्ट्रिक मोटर आर यूज इलेक्ट्रिक मोटर कौन से डिवाइस में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कार रोलिंग मिल्स इलेक्ट्रिक फैन हेयर ड्राइस मिक्सर ब्लैंडर एक्सेट्रा ठीक है नेक्स्ट ए कॉयल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू ए गलवानोमीटर ठीक है ये कॉयल है इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया गलवेनोमीटर के साथ वट विल हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुस्ट इन टू द कोयल वट विपन इफ दिस बार मैगनेट पुस्ट इंटू द कोयल अगर इस मैगनेट कोयल के अंदर लेके जाते हैं नंबर टू विदड्रा फ्रॉम इन साइड द कोयल अगर हम उसको बाहर लेके जाएंगे एंड नंबर थर्ड केस स्टेशनरी इन साइड द अगर उसको अंदर रख के स्टेशनरी रख जाए देर इज नो मोशन हमें पता है इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज प्रोड्यूस वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन जब तक इसका मोशन होगा तब तक ही इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा अगर ये स्टेशनरी होगी रेस्ट पर होगी तब इसका मोशन इंड्यूस करंट जीरो आएगा तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट पार्ट में वैन बार द कॉइल इंड्यूस करंट फ्लो थ्रू द कॉइल ड्यू टू द फिनिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक है एंड इंड्यूस करंट इज इंडिकेटेड बाई डिफ्लेक्शन ऑफ गलवेनोमीटर गलवेनोमीटर नीडल डिफ्लेक्ट, ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी इसका मतलब स्मॉल करंट इज प्रोड्यूस जब उस मैग्नेट को हम बाहर लेके जाएंगे देन सेम तब भी हम बोलेंगे कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस बाई द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन बट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल भी ऑपोजिट जब मैग्नेट को अंदर लेके आते हैं तो टुवर्ड्स द मैग्नेट गलवोमीटर शो करता है जब मैग्नेट को दूर लेके जाएं तो इट विल शो ऑपोजिट डायरेक्शन बट इन थर्ड केस देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कोयल सो दैट द करंट इज जीरो करंट जीरो गलवेनोमीटर शो नो no डिफ्लेक्शन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टू सर्कुलर कोयल ए बी आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इफ द करंट इन द कोयल ए इज चेंज वाल सम करंट बी इनड्यूसड इन द कोयल बी गिव रीजन वेन करंट इन द कोयल ए इज चेंज ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप अराउंड इट विद चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ओके अब देखिये बेटे टू तो सर्कुलर कोयल है एक ए और सेकेंड बी आर प्लेस क्लोज टू इचर दोनों आपस में इकट्ठी रखी हुई है इफ द करंट इन द कोल इज चेंज अच्छा ए कॉयल में करंट चेंज हुआ तो वो चेंजिंग करंट क्या प्रोड्यूस करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड जो साथ वाली कॉल बी है उसके अंदर लिंक करेगा वो भी चेंज होगा तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बी कॉल में चेंजेस होगा तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा इंड्यूस्ड करंट ठीक है तो यही हमने बोलना है यहाँ पे सम करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉल बी ड्यू टू इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन यस तो हमने क्या बोलना है चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विच इज

ठीक है करंट मैग्नेट और उसका रोटेशन हो रोटेशन मतलब मोशन मोशन ऑफ द करंट कैनिक कंडक्टर तो जब मोशन हो तो मोशन में हम यूज करते थे फ्लैमिंग राइट हैंड रूल्स ओके सो फ्लैमिंग राइट हैंड रूल आगे इनके रूल्स की डेफिनेशन आप सबको पता ही है लेट स्टार्ट सम मोर क्वेश्चन एक्सप्लेन द अंडरलाइंग प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर बाय ड्राॅइंग ए लेवल डायग्राम सी माई वीडियो फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर और क्वेश्चन है वेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर्स शॉर्ट सर्किट कब होगा न्यूट्रल वायर टॉर्ट सर्किट कब हो जाता है लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ टच कर रहे कम इन डायरेक्ट कंटेक्ट अगेन शॉर्ट सर्किट अकर्स लास्ट क्वेश्चन व फंक्शन ऑफ अर्थ वायर एंड वाइट इज ने टू अर्थ मेटेलिक केसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंस। अर्थ वायर एक्ट एज अ सेफ्टी मेजर तो बेटे अर्थ वायर क्या फंक्शन का है उसका सेफ्टी मेजर का वैन लाइव वायर टच द बटेली केस ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंस, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम केसिंग ऑफ अप्लाइंस टू द अर्थ थ्रू द कॉपर वायर एज द अर्थ ऑफर्स वेरी लो और ऑलमोस्ट नो सिस्टम टू द फ्लो ऑफ करंट सो लार्ज करंट पास थ्रू द कॉपर वायर

सो दीज आर यूर ओनली एटीन क्वेश्चन इन यूर इंटरनल एन सी आर टी चैप्टर एंड एक्सरसाइज बाकी के क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रहा हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिए सी बी एस ई में बहुत बार आए हुए क्वेश्चन हैं। दीज क्वेश्चन आई एम ऑल्सो सेंडिंग बट यू नीड नाट टू राइट अगर आप कॉपी पर लिख भी लो दैन देर इज नो प्रॉब्लम बट दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू नो दैट वेरी वेल आपका यूनिट टेस्ट फिजिक्स का यूनिट टेस्ट भी आ रहा है उसमें मैं यही चैप्टर डाल रहा हूँ दैट इज़ मैग्नेटिक फैक्ट ऑफ करंट तो मैग्नेटिक फैक्ट ऑफ करंट चैप्टर को अच्छे से पढ़िए तो ये वाले सारे क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट आपको भी इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं आप ये सारे के सारे क्वेश्चन जरूर कीजिए जिसमें सी बी एस ई का पार्ट लिखा हुआ है वो तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आपने करने ही करना है एंड इफ यू राइट ऑन योर फेयर कॉपी दैट इट इट्स गुड फॉर यू ठीक है तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ सो दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इसको याद कीजिए लर्न कीजिए और लिख लिख के इसकी प्रैक्टिस कीजिए थैंक यू